अस्सलाम वालेकुम। मैं जो काम करता हूँ उसके डिटेल्स में करता हूँ, ट्रांसपेरेंट काम कैसे पर किया जा सकता है। एक्चुअली ट्रांसपेरेंट इसलिए मैं करता हूँ कि बचपन से हमने कहानियां सुनी हैं, बड़ों से बातें सुनी हैं कि हमारे मौलिया कराम दीवार के आर-पार देखते हैं, अल्लाह के पूरी कायनात को शफाफ देखने। तो मेरे जहन में आया कि हाँ, इंसान अगर शफाफ देखना चाहे तो कैसे हो। खैर, एनीवे, जो मैं काम करता हूँ उसमें थोड़ा सा रिवायती अंदाज से हट के मैं ड्राइंग में ऐसे करता हूँ कि लाइंस क्रॉस कर जाती हैं, जिसमें लिबर्टी मिलती है, जिसमें ब्रीथिंग एनवायरनमेंट इतना ज्यादा होता है कि आप उसमें जितने चाहे एलिमेंट उसमें आप भरते जाएं, वो पेंटिंग पेचीदा नहीं लगेगी। और जैसे मैं अभी एक डेमो करके एक पेंटिंग तैयार करूंगा तो वो आप देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन वो उसके अंदर ब्रीथिंग यानी सांस आप ले सकते हैं, आप उलझन नहीं होगी पेंटिंग होते हैं। अमूमन ये होता है कि हम जब दो चार एलिमेंट बनाते हैं तो अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट कर दें, ओवरलैप कर दें, तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि विदाउट डिस्टॉर्टिंग रियलिस्टिक फॉर्म आप उस पर एक आपको डिस्टॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक नई दुनिया कि अपना पहुंच आपको मिल रही है। और चलिए मैं इसको करके बताता हूँ, ड्राइंग से लेकर फाइनल फिनिश तक। सबसे पहले तो हमें ड्राइंग समझने की जरूरत है। जिस तरह से मैं काम करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए लाइंस बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं यहाँ पर। देखें कि मैंने पहले ड्रॉ किया एक एक स्क्वायर रेक्टेंगल, ना सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं ना, तो एक जो बिल्कुल हमारे यहाँ देहात में जो लैंडस्केप होता है, घर वगैरह होते हैं, इसमें लिबर्टी ये मिलती है कि लाइन जब लाइन से पहले हम मैं सोच लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ कि ये इस दीवार के पीछे एक और मकान कैसा होगा, फिर उस मकान के साथ एक फिर दीवार है, दरवाजा है, फिर इस दीवार के पीछे जो कुछ एक्टिविटी हो रही है उसमें एक औरत बैठी हुई है बच्चे के साथ चारपाई पे, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है। अब दीवार के इस तरफ आ जाते हैं हम, तो ये बकरी है, उसका बच्चा है, फिर एक पोल है। चूंकि सारी ड्राइंग ऐसे चल रही है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकली जो है ना एक चीज उसको ब्रेक देना जरूरी था, इसलिए यहाँ कोई मैं दरख्त लगा देता हूँ या कोई एक पोल मैंने लगा दिया। फिर इस तरफ भी एक मकान है जिसकी दीवार है ये और इसका छत है। अच्छा, फिर ये सामने इसकी सीढ़ियां और ये पर्दा पर्दा गिरा हुआ है इस तरफ से। अब हम इसको ये जो कुछ भी ड्राइंग हमने बनाई है उस ड्राइंग से ही हमें एक अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज पीछे है, कौन सी चीज आगे है। तो इसमें लेयरिंग्स होती हैं और ये लाइन बहुत सपोर्ट करती हैं चीजों को आगे पीछे करने, दीवार के पीछे दिखाने में मदद करती है हमारे, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्राइंग जब समझ में आ जाए तो उसके बाद इसमें काम करना आसान हो जाता है। हम मोस्टली मैं इंक इस्तेमाल करता हूँ, एकोलाइन इंक। ये एकोलाइन इंक पूरी दुनिया में अवेलेबल है और इस हर तरह के कलर्स इसमें हैं। तो आज हम इसको मोस्टली ब्लैक एंड वाइट से करते हैं ताकि ज़्यादा हम मुश्किल में ना फंसें। वो पहले हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जो एकोलाइन इंक है उससे हम इसको काम करेंगे। हमें चाहिए ब्रश 3, जस्ट ये 3 ब्रश काफी।
मेरे लिए तो काफी। अच्छा, फिर ये जो पॉइंटर नजर आ रहा है, जो वाटरप्रूफ पॉइंटर है, ये लाइनें वाटरप्रूफ है, अब इस पे पानी लगेगा ये लाइनें बिगड़ेंगी नहीं। बस अब ये आर्टिस्ट का साथ साथ सोचना होता है कि कहाँ टोन डार्क रखनी है, कहाँ लाइट रखनी है ना, क्योंकि इसमें रोशनी पीछे से आगे की तरफ आ रही है, यानी पेपर के पीछे से आगे की तरफ हमने ये डिसाइड किया ना। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि रोशनी इधर से वापस जा रही है, तो फिर उसका तरीका अलग होगा। इसमें ये पीछे से रोशनी आ रही है, और वो जो इसके शेडोज क्रिएट होंगे वो इसमें और ज्यादा मिरेकल्स पैदा करेंगे और ट्रांसपेरेंसी पैदा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द कलर। ये हम अमूमन डेमो देते हुए कोई गारंटी नहीं कि ये कोई अच्छी पेंटिंग बनेगी, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं। अब जाहिर है ये जो कलर टोन है, इससे अगर हम इस टोन को लाइट रखेंगे ना, इधर इधर वाले टोन को, तो इसकी जो अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा इधर और डार्क कर देते हैं, तरह से ये एक पोर्शन हमारा बनता जा रहा है। इस इंक में फायदा यह है कि आप इसको बाद में लिफ्ट भी कर सकते हो, उठा यानी उसको वापस उठा लें पानी के जरिए। जब ये हो जाए फिर मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि ये लाइट का जो बल्ब है ये अमूमन वाइट होता है, और इस यहाँ से हल्का सा मैंने वाइट छोड़ना है। ये हिस्सा जो है हमारा ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये डार्क ही होगा, क्योंकि ये लाइट के ऑपोजिट है।
पानी से भी इसको स्मूथ कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं इधर, इसके लिए हम बड़ा फ्लैट ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि लाइट कुछ इस तरह से, यानी इस पर्दे के बीच में पर्दा है, नेचुरली ये इस एक और मकान है जिसका ये बैक साइड है ना, ये डार्क होगा। सबसे पहले तो हमें काम करते वक्त डर निकाल के फेंक देना चाहिए, या आपकी पेंटिंग खराब हो जाए। इसकी आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं एक स्मूथ लेयर इस पे डालता हूँ फ्लैट ब्रश से। अब हमारी बारी आ गई जो ये दीवार है, यहाँ से हम चले और हमारी ड्राइंग कहीं नहीं जाती। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं, अगर हमसे वाइट हो जाए, यानी वाइट हमसे, वो हम दोबारा वापस निकाल सकते हैं लिफ्टिंग के जरिए, ये बाद में हम लिफ्ट करके निकाल लेते हैं। वो मैं आपको फाइनली बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल वाइट पेपर भी हम नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही लाइट सा, जो जाहिर है ये कुछ दोपहर का मंजर कुछ ऐसा है। यहाँ तक पहुँच गए हम, अब ये अंदर एक दरवाज़ा है, ये दीवार है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो यकीनन ये रोशनी अंदर आ रही होगी। तो ये हम जब डार्क कर देंगे तो पता लगेगा कि अंदर रोशनी आ रही है।
हमने तकरीबन जो है इसको एक एक जनरल जो एक 3D इसके अंदर जो कुछ भी आना चाहिए वो हमने कवर कर लिया है ना। अच्छा, आप चूंकि ये छत बिल्कुल चमकती हुई वाइड है ना, इसको हम डार्क कर सकते हैं, बस गुंजाइश है और जो बुरी बुरा नहीं लगेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। इसी तरीके से एक छत यहाँ पर भी है। हमारी ये पेंटिंग आस्ते आस्ते ये क्लियर होती जा रही है। ये हिस्सा यकीनन लाइट के अपोजिट है। हाँ, कहीं से लाइट पड़ रही होगी। अब ये एक थोड़ा सा हम इसको ड्राई होने देंगे ना। उसके बाद हम जो इसमें जितने भी डिटेल्स हैं उसको डिफाइन करेंगे मास्टर। मिसाल के तौर पर ये दरवाज़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और ये दीवार के अंदर है, मकान के अंदर है। चल, अब ये दरवाज़ा डार्क हो गया तो यकीनन ये दीवार भी डार्क होगी ना, उसी हिसाब से थोड़ा इसको डार्क करते जाएंगे। जहाँ जैसे ब्रश की ज़रूरत है हम उसको इस्तेमाल करें। ये भी अंदर का हिस्सा है, ये भी इसमें डार्कर टोन चाहिए इसको। लाइट एंड डार्क का सारा खेल है। अच्छा, क्योंकि ये एक दीवार है, उसके पीछे भी दीवार है, तो ये थोड़ा सा और इसको डार्क होना चाहिए। अब हम जो है ये जो बकरी जो है जो बाहर है,
जो पेपर मैंने यूज़ किया है ये कैंसिन पेपर है, हॉट प्रेस। इस पे पानी थोड़ी देर के लिए रुकता है और आसानी होती है इंक को हैंडल करने में। से सीप आउट हुआ है तो उसका टिश्यू पेपर से भी उठा सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। नेचुरली लाइट ये डार्क होगा, इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। ठीक, अब यकीनन इसका शेडो कहीं से आएगा। फिर अगर हम इसके शेडो को ऐसे रखते हैं ये कंटिन्यू करता है, इसके साथ मर्ज कर दें, कोई बात नहीं। शेडो भी दीवार के आर पार घुसा दें। अब इस पोल को हम डिफाइन करते हैं। अब हम चारपाई की तरफ आ गए। बारीक ब्रश से जितनी भी माइन्यूट और डिटेल्स जो है ना, बस ये आपने बच्चों की तरह कलर भरना है। एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान और बड़ी लिबर्टी देता है आपको काम में। अब ये दीवार के उस तरफ है, ये अब मैं इस औरत को बना रहा हूँ। टिश्यू पेपर ले, टिश्यू पेपर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ से मुझे लिफ्ट करना है तो मैं लिफ्ट कर लूँ। इसका हाथ थोड़ा डाल कर तो हमने
ये काफ़ी हद तक डिफाइन हो चुकी है ये बच्चा की गोद में। ये अभी हम सिर्फ फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं, पहले पहले पहली लेयर। अभी हमने इसमें शेडो वगैरह का काम अभी किया नहीं हमने, जब तक हम ये पर्दा सा डला हुआ है। दरवाजे में पर्दा, अब यकीनन इस पर्दे का भी शेडो होना चाहिए। टच ऑफ यू जो डिफाइन कर देगा कि ये सीढ़ी पूरी यहाँ लाइट नहीं पड़ रही। ओके हल्का सा टोन इसके कपड़ों पे भी और इसकी पगड़ी नुमा कोई चीज है। अमूमन या गांव देहातों में लोग सर पर पगड़ी पहनते हैं। अब ये वो ट्रांसपेरेंसी का में एक व्यू नजर आने लगा है ना। अच्छा, अभी जैसे हम यहाँ पर कुछ इसका इंक उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो खिड़की है इसकी रोशनी अब अंदर आ रही है ना, इसको हम इंक उठाना चाहते हैं। हम इस तरह से इसको उठा सकते हैं। मजीद अगर हमको चाहिए ज़्यादा ब्राइट हमारे उठाने का अगर ज़रूरत है, तो ये मेरे पास एक कपड़ा ब्लीच मेरे ख्याल कपड़े धोते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, इसको ब्लीच कहते हैं पाकिस्तान में। ये देखिए अभी अब मैं यहाँ से ये लगाऊंगा तो ये जहाँ पर मुझे वाइट चाहिए वो मिल जाएगा। और फिर इस पर हम ये हमारे पास वाइट हुआ। अच्छा
जहां जहां हमें जरूरत है कि कुछ सही करना है कर सकते हैं। एक तरह से इरेजर का काम करता है। हाईलाइट हमें निकालनी हो रोशनी सुबह जो ब्लीच से आसानी से हम निकाल देते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर हमें लाइट निकालना है, दिस इज डन। ये देखिए ये कैसा बिल्कुल इसको हमने निकाल लिया। हम चाहते हैं कि जैसे ये दीवार पे हम चाहते हैं कि थोड़ी लाइट पड़नी चाहिए ना, इसको मजीद इसको डिफाइन कर दिया इसने कि दीवार है उसके दीवार पर लाइट पड़ रही है। बकरी के बच्चे को जरा से क्लियर करना चाहते हैं। यहां से हमको इंक रिमूव करना है, हम आसानी से कर सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात। मोस्टली डन। अब ये इसके बाद हम जो है इसके साथ जो एक चीज़ें यानी कहीं हम लिफ्ट करेंगे, कहीं पे हम लाइट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना इसके अंदर एक जो फाइनल टच देंगे वो चारकोल स्टिक्स के ज़रिए, चारकोल पाउडर और चारकोल स्टिक के ज़रिए हम इसको टच करेंगे। तो दैट विल क्रिएट ए मिरेकल। नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये अगर आप देखें तो उसको नज़दीक से दिखाया है कि ये पेंटिंग क्या बनी है, काफ़ी समझ में आ रहा है देखने वाले। ज़रा नज़दीक करें इसको, तो ये किसी हद तक समझ में आ रहा है कि दीवार के पीछे और आगे क्या एक्टिविटी हो रही है। इसको मज़ीद हम जो है चारकोल के ज़रिए हम इसको जब हल्का हल्का इसको टच देंगे तो इट विल क्रिएट ए मिरेकल। यानी इतना क्लियर इतनी शफाफ ये पेंटिंग बन जाएगी कि ये नया नए लुक के साथ एक नया काम। तो इस तरह का काम मेरा ख्याल है मैं ही करता हूँ, और भी लोग करते होंगे लेकिन दिस इज माई ओन डिस्कवरी। थैंक यू। जैसे यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया मामला, अब मुझे इस कॉर्नर पे हम चलते हैं जो अंदर के साइड पे है।
और हम तो जब चाहे इसको इरेज भी कर सकते, ज्यादा हो जाए तो हम इरेज भी कर सकते, अनवांटेड डार्कनेस को हम इरेज कर सकते, इसके पीछे शेडो हमने क्रिएट करना है। इवन चाकल पाउडर के जरिए द पाउडर हाँ इसको जितना चाहे डार्क कर सकते, अगर आपको महसूस हो के नहीं यहाँ थोड़ा सा निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते। ये लाइन हमें डिफाइन करने की जरूरत है, ये लाइन भी डिफाइन करने की जरूरत है, ये लाइन भी डिफाइन करने की जरूरत है, साथ साथ मर्ज करते जाएंगे। इसी तरह से जो भी कॉर्नर हो इसको आप डार्क कर सकते हैं। और कभी भी पेंटिंग को खास तौर से ड्राइंग में बड़ा टाइम लग रहा है, आपको अगर ये महसूस भी हो कि आपने एक एक ही रोज में ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और आपको उस वक्त लगेगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग हो गई, लेकिन वेट फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि जब नेक्स्ट डे आप उसको देखते हैं तो आपके स्टैटिक में कुछ और नई चीजें आई हुई होती है, आपका दिमाग फ्रेश होता है। और मैं अमूमन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है मैं ड्राइंग करता हूँ, और ड्राइंग में मैं काफी टाइम लगाता हूँ, यानी थोड़ी थोड़ी करके ड्राइंग थोड़ी करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर दूसरे दूसरे काम करता रहता हूँ। क्योंकि अगर सेम डे आप कोई एक ड्राइंग को फाइनल कर देंगे तो आप तो एक अच्छे ड्राइंग नहीं निकाल पाएंगे, ड्राइंग बड़ा वक्त मांगती है, हर रोज जो है आपको कुछ नया आपके जहन में उतरता है, आमद होती है। और अमूमन जब ड्राइंग बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा आपके आपको थका देती है, क्योंकि जब इमेजिनरी कोई सोच के आप काम करते हैं तो वो एक्चुअली क्रिएटिव काम जो है वो बहुत थकाता है, आपका जहन थक चुका होता है, आप उल्टी सीधी ड्राइंग करके भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि आपने बड़ा कमाल कर दिया है, तो इसलिए आपको वक्त देना चाहिए। अब नेचुरली जो कुछ मैंने ये किया है अब इस पे भी मैं टाइम दूंगा ना, आई नो कि मैं जब इसको कल देखूंगा तो इसमें बहुत सारी खामियां मुझे नजर आएंगी, और उसको फिर उन खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि 90% नहीं बल्कि 80% डन, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट था, जब हम कलर करते हैं तो उस कलर के हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ता है कौन सा कलर किसके साथ, और बहुत ज्यादा कलर्स यूज नहीं करना चाहिए, मिनिमम पैलेट रखे, और कलर की नॉलेज होनी चाहिए, सेकेंडरी कलर
कंप्लीमेंट्री, ये तो सारे हम जानते हैं। तो उसी हिसाब से आप पेंटिंग को लेके चलें, और नेचुरली जब आप काम करते हैं तो आपको खुद आप डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं कि जरूरी नहीं कि पर्पल के साथ आप येलो ही लगाएं, आप पर्पल के साथ कुछ और लगा कर देखें, ग्रीन लगा कर देखें, और ग्रीन के साथ जरूरी नहीं कि आप रेड लगाएं, कोई और कलर लगा के देखें। तो इस तरह से आप अपना एक पैलेट तलाश कर लेते हैं। तो अमूमन कुछ आर्टिस्ट पैलेट से भी पहचान में आते हैं, कि उनकी अपनी एक पास उनका पैलेट होता है। और ये पैलेट क्या चीज है, यानी आपकी चॉइस, कलर की चॉइस क्या चीज है, जो आपको, जो कलर आपको अच्छे लगते हैं, जिसको बार बार आप लगाते हैं, वही आपकी चॉइस है, वही आपका कलर पैलेट है, और उसी में आप कंफर्टेबल रहते हैं। ये साइकोलॉजिकल भी एक मसला है कि आप को अगर कोई कलर नहीं पसंद, चाहे वो कितने खूबसूरत, आप उसको लगाएंगे तो वो अच्छा ना आपको अच्छा लगेगा ना किसी और को अच्छा लगेगा। जब तक आर्टिस्ट को उसका काम पसंद ना आए तो वो काम किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। आपका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, आपकी पसंद दरअसल वही असल काम है। जो काम आर्टिस्ट को पसंद है, पूरी दुनिया को वो पसंद आ सकता है। अगर जबरदस्ती हम इसलिए कोई काम आप कर रहे हैं क्योंकि कोई मशहूर आर्टिस्ट इस तरह करता है तो मैं भी कर लूं, तो वो बेजान सी पेंटिंग होगी और आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। Nobody will like your work। तो आपके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि हाँ जी, मैंने अच्छा काम किया है, मुझे पसंद है ये काम। दैट इज द ठीक है जी, डन। अब इसको हम जो है माउंट करेंगे, इसको हम एक माउंट करेंगे, तो ये फिर आपको दिखाता हूं मैं इसको माउंट करके इसकी क्या शक्ल बनती है मैम।